लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसके कारण क्या है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की डायग्नोसिस कैसे होती है, उसका इलाज कैसे होता है और कुछ ऐसे सवाल हम डिस्कस करेंगे जो अक्सर करके पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जतिन हूँ। आई एम अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एट द लाइफस्टाइल क्लिनिक दिल्ली। तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स को डायग्नोस कैसे करते हैं? देखिए, आपको मैं ये समझाता हूँ कि इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप में कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बट ये दूसरे मानसिक बीमारी का पार्ट हो सकता है। स्पेशली सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ये हिस्सा हो सकता है। तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जो पेशेंट्स होते हैं, जो इंसान होता है, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है किसी सोशल सिचुएशन में, जैसे कि मीटिंग में उसको घबराहट होगी, या अथॉरिटी फिगर अपने बॉस से मिलने में उसको बहुत घबराहट होगी, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने में बहुत घबराहट होगी, या फिर किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां उसे स्टेज पे जाना है वो उस सिचुएशन में नहीं जा पाएगा, उसको स्टेज फियर बहुत होगा, या मीटिंग्स में वो बात नहीं कर पाएगा, बात करते समय उसे जो है उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, पसीने आएंगे, सांस फूलेगी और हड़बड़ाएगा, कई बार हकलाएगा, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और ये हर बार होगा, जितनी बार भी वो ऐसी सिचुएशन में जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग करेगा, स्टेज पे जाएगा, मीटिंग में जाएगा, हर बार उसे ऐसा ही महसूस होगा और वो अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी बात जो है वो सही तरह से नहीं रख पाएगा, एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। और कई बार इन सब चीज़ों के चलते वो ऐसी सिचुएशन में जाने से कतराता भी है, एक्टिवली अवॉइड करता है। बॉस उसको मीटिंग के लिए बुलाएगा, वो नहीं जाएगा, उसको डर लगेगा कि बॉस क्या बोलेगा। उसको मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी है बट उसको डर लगेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो कोई ना कोई बहाना बना के मीटिंग से जो है छुट्टी ले लेगा या सबके सामने नहीं आएगा। तो ये एक बहुत ही डिफाइनिंग फीचर होता है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का, कि इतनी इन्फीरियरिटी आ जाती है कि ऐसी सारी सिचुएशंस को पेशेंट जो है वो अवॉइड करता है। तो अगर आप इन्फीरियर फील करते हैं, अगर आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो उससे कैसे ओवरकम करें? देखिए, सबसे पहले तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आप खुद हैं। अगर आप अपने आप को जो है कॉन्फिडेंट बनाएंगे, अगर आप अपने आप को जो है थोड़ा सा सक्षम बनाएंगे, आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं, मेरे में कोई कमी नहीं है, तो आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आ पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप से कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप सही से बोल नहीं पाते हैं, अगर आप मोटे हैं, अगर आप पतले हैं, अगर आप छोटे हैं, गंजे हैं, या कोई हकलानापन है, तो सबसे पहले आपको अपने अपने शरीर से, अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, तभी आप जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आ सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन भी सिचुएशंस में आपको डर लगता है या जिन भी सिचुएशंस में आपको जो है घबराहट होती है, आप उन सिचुएशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर एक मिरर के सामने खड़े होके बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पहले जो है किताब में कुछ चीज़ लिख के उसको डेली डेली पढ़ें, अपने शरीर से कम्फर्टेबल हों, फिर जब थोड़ा कॉन्फिडेंस जाग जाए तो आप जो है उसे एक्सटेम्पोर भी बोल सकते हैं। आप बिना किताब में पढ़े जो है उसे बोलने की कोशिश करिए। इस एक्सरसाइज का जो रीज़न है वो ये है कि आप अपनी बॉडी से कंफर्टेबल हों, आप अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से कंफर्टेबल हों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी मानसिक बीमारी का हिस्सा है, मान लीजिए सोशल एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरह की कोई बीमारी है, तो अगर आप उसका इलाज लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आने के लिए कि देखिए, एवरी पर्सन इज स्पेशल। हो सकता है आप में कुछ कमी हो सकता है आप में कुछ खूबी भी हो, है ना। एवरी इंडिविजुअल विल हैव सम एबिलिटी एंड सम फ्लॉज। कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ खूबियां भी होती हैं, तो आपको अपनी खूबियों पर ध्यान देना है ना। आप ऐसे समझिए, अगर एक मछली है, उसको हम आकाश में छोड़ देंगे और उसको बोलेंगे कि आप उड़ो, तो वो उड़ नहीं पाएगी। वो शायद बाकी पक्षियों को देख के, बाकी पंछियों को देख के उदास फील करेगी कि मैं तो उड़ नहीं पा रही हूँ। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप में वो खूबी क्या है। वो खूबी आप डेवलप कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए,
उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा समय के साथ। तो आइए समझते हैं कुछ सवाल जो कि अक्सर करके पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। क्या इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के लिए हमें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? हाँ जी, अगर आपको इन्फीरियर फील हो रहा है, अगर आप इनएडिक्वेट फील करते हैं, ऐसा लगता है कि सक्षम नहीं है किसी कार्य में, तो आपको एक साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ये फीलिंग्स बहुत समय से रह रही हैं तो एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास चाहिए। हो सकता है ये केवल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी और मानसिक बीमारी का लक्षण हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डिप्रेशन या सोशल एंग्जाइटी का लक्षण भी हो सकता है। क्या सोशल मीडिया से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है? हाँ, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रीज़न है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पर सब लोग अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें या अपनी खूबियाँ ही दिखाते हैं, कोई भी अपनी कमी नहीं दिखाता है। तो जब एक आम इंसान ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे देखता है तो वो अपने आप को कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के चलते वो जो है इनएडिक्वेट फील करता है और इन्फीरियर फील करता है। क्या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है? हाँ, कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। कई बार जो इंसान इन्फीरियर फील करता है रिलेशनशिप में, वो दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है कई बार, या अपने आप को दूसरे से कंपेयर करता है कि दूसरा ज़्यादा सक्सेसफुल है, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरा पार्टनर ज़्यादा अच्छा कर रहा है, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ। इस तरह की भावनाएं आ सकती हैं और इसकी वजह से कई बार लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और सेपरेशन या डिवोर्स तक भी बात जा सकती है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई एडवाइस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।